हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए प्रश्न के साथ। और वह प्रश्न है, सेंट्रल रेलवे में नागपुर डिवीजन में स्टेशन मास्टर के लिए एग्जाम हुआ है 28 सितंबर 2024 को। इसके पहले 21 सितंबर 2024 को इसका एग्जाम हुआ था, जिसका वीडियो हमने डाला था। और एक फेज में और इसका एग्जाम होने वाला है 5/10/2024 को। चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। कमेंट भी अवश्य करें। क्वेश्चन का जो पैटर्न है, सेम जिस तरह से 21 सितंबर को पूछा गया था, सेम उसी तरह से इस बार भी पूछा गया है। चलिए हम सीधा प्रश्न पे आते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर ग्रेड पे 4200 लेवल 6, 16% डिपार्टमेंटल कोटा है और नागपुर डिवीजन का है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, डेट ऑफ एग्जाम है 28/9/24, 100 मार्क्स का है और 2 घंटे का समय है, 2 आवर। चलिए हम सीधा प्रश्न के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अधिकतम अनुमेय गति किनके द्वारा निर्धारित की जाती है? मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड एमपीएस इज डिटरमाइंड बाई होम, यह सीआरएस के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गाड़ी विखंडन होने पर गार्ड दिन में किस प्रकार सिग्नल दिखाएगा? इन केस ऑफ ट्रेन पार्टिंग गार्ड शो सैल्विज सिग्नल बाई डे। दिन के बारे में पूछा है, सिर्फ दिन में जो है वह हरी झंडी ऊपर नीचे, आंसर ऑप्शन बी होगा। और जब रात रहेगा तो उस समय पर सफेद बत्ती ऊपर नीचे, यहाँ डे के लिए पूछा गया है, तो आंसर ऑप्शन बी होगा, हरी झंडी ऊपर नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सहायक नियम किसके द्वारा बनाया जाता है? सहायक नियम क्षेत्रीय रेल के द्वारा बनाया जाता है, सब्सिडी रूल और फ्रेम्ड बाई जोनल रेलवे, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, टीएसएल में दूसरी गाड़ी कब चलाई जाएगी? ड्यूरिंग टीएसएल द सेकंड ट्रेन विल बी रन आफ्टर, कब चलाई जाएगी? तो लाइन क्लियर मिलने के बाद दूसरी गाड़ी चलाई जाएगी, आफ्टर गेटिंग लाइन क्लियर ऑन लाइन क्लियर, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका में कितने अध्याय हैं? हाउ मेनी चैप्टर्स आर इन जी एंड एस आर? तो जी एंड एस आर में जानते हैं 18 अध्याय है, आंसर ऑप्शन बी है, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आईवीएस कौन सी श्रेणी का स्टेशन माना जाता है? आईवीएस ट्रीटेड एज विच क्लास ऑफ स्टेशन? तो यह सी क्लास का स्टेशन माना जाता है, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पटाखा सिग्नल की सामान्य आयु कितने वर्ष है? व्हाट आर नॉर्मल लाइफ ऑफ डिटोनेटर्स? डिटोनेटर का जो है 5 साल है, आंसर ऑप्शन ए है, 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जब कांटे मेन लाइन के लिए लगे हैं तब कांटा संकेतक रात के समय कौन सी रोशनी देता है? मेन लाइन के लिए पूछा गया है यहाँ, और रात के समय पूछा गया है, तो हम रात हो या दिन हो जो भी है एक ही चीज दिखाएगा जैसे रहेगा। तो यहाँ कैसे है कि हमने पहले बताया था, पिछले जो प्रश्न डाला था उसमें, कि सीधा है तो सादा है, सीधा यानी मेन लाइन के लगा हुआ है तो सादा है, सीधा है तो सादा है, सीधा तो सादा यानी सफेद, तो सफेद रोशनी होगा मेन लाइन के लिए है तो सफेद, दिन में रहेगा तो दिन में क्या बताएगा? दिन में डिस्क बताएगा सफेद, और रात में सफेद रोशनी बताएगा। तो यहाँ आंसर ऑप्शन ए होगा, सफेद रोशनी, और कुछ नहीं हरी बत्ती, जब लूप लाइन के लिए लगा होगा तो दिन में कोई डिस्क नहीं रहेगा और रात में हरी बत्ती बताएगा। तो यहाँ आंसर ऑप्शन ए होगा, सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दृश्यता परीक्षण लक्ष्य स्टेशन मास्टर कार्यालय से कितने मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेशन मास्टर ऑफिस? दिया 180 मीटर पर लगाया जाता है, आंसर ऑप्शन सी है, 180 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लोको पायलट गाड़ी विखंडन होने पर सीटी बजाएगा। लोको पायलट शैल साउंड विसल इन केस ऑफ ट्रेन पार्टिंग। तो ट्रेन पार्टिंग क्या है, ट्रेन बड़ा है और क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, यानी लंबी छोटी इस तरह से सीटी बजाएगा। तो बड़ी गाड़ी छोटी हो गई, बड़ी गाड़ी छोटी हो गई, यानी लंबी छोटी, आंसर ऑप्शन सी है। इस तरह से याद रखिए, ट्रेन पार्टिंग लंबी छोटी, लंबी गाड़ी छोटी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पूर्ण ब्लॉक पद्धति के अंतर्गत ब्लॉक स्टेशन को कितने उपवर्गों में बांटा गया है? ब्लॉक स्टेशंस आर एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, अंडर एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम आर सब क्लासिफाइड एज ए बी सी ऑल। तो यह ऑल है, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, स्वचल खंड में यदि ए मार्कर बुझा है तो सिग्नल कैसा माना जाएगा? इफ ए मार्कर इज एक्सटिंग्विश्ड इन ऑटोमेटिक सेक्शन सिग्नल इज ट्रीटेड है, तो समय पर सिग्नल जो है उसे मैनुअली ऑपरेटेड हस्तचालित माना जाएगा, आंसर ऑप्शन बी है, हस्तचालित मैनुअली ऑपरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पहला पटाखा अवरोध से कितने मीटर के अंतर पर लगाया जाएगा? जब जो है यह सुरक्षा किया जाता है, सेफ्टी लिया जाता है,
या बचाव किया जाता है जिसे कहते हैं। फर्स्ट डेटोनेटर कहाँ पर प्लेस किया जाएगा? फर्स्ट डेटोनेटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन से पहला पटाखा 600 मीटर पर लगाया जाएगा। 600, 600, 10 मीटर, 10 मीटर, यानी चार पटाखे लगाकर 600, 600, 10, 10 पर चार पटाखे लगाकर किया जाता है प्रोटेक्शन। तो उस समय जो प्रोटेक्शन पहला पटाखा पूछा गया है तो वह पहला पटाखा 600 मीटर पर लगेगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। रात के समय हाथ सिग्नल बत्ती में लाल रोशनी उपलब्ध ना हो तो खतरा संकेत किस प्रकार से बताएंगे? इफ रेड लाइट फेल्स इन हैंड सिग्नल लैम्प, हाउ द डेंजर सिग्नल विल बी शोन। तो इस समय पर जो सफेद बत्ती है उसे शरीर के सामने दाएं बाएं जोर जोर से हिलाकर संकेत दिया जाता है, उसे डेंजर सिग्नल माना जाता है। आंसर ऑप्शन डी होगा। सफेद बत्ती शरीर के सामने दाएं बाएं जोर से हिलाकर, वायलेंटली वेविंग ए व्हाइट लाइट हॉरिजेंटली अक्रॉस द बॉडी। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। विशेष अनुदेश किन के द्वारा जारी किया जाता है? स्पेशल इंस्ट्रक्शन आर इशूड बाई होम। तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन PCOM के द्वारा किया जाता है, और जो होता है अनुमोदित विशेष अनुदेश, तो अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन वो CRS के द्वारा होता है। यहाँ जो होगा आंसर वह CPCOM। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। TSL उन दो स्टेशनों के बीच शुरू की जाएगी जहां क्रॉसओवर की सुविधा है और किसे बंद माना जाएगा? TSL विल स्टार्ट बिटवीन दोज टू स्टेशन एट विच क्रॉसओवर फैसिलिटी इज अवेलेबल एंड विच ट्रीटेड एज क्लोज। तो उसमें पर जो सी क्लास स्टेशन रहता है उसे बंद माना जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, सी क्लास स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। मेल एक्सप्रेस गाड़ी में SLR के पीछे कितनी बोगी लगा सकते हैं? हाउ मेनी बोगीज कैन बी अटैच बिहाइंड द SLR इन द मेल एक्सप्रेस ट्रेन। तो समय पर दो बोगी लगाया जा सकता है। आंसर ऑप्शन बी है, टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। हाइट गेज किसकी सुरक्षा के लिए होता है? हाइट गेज इज फॉर द सेफ्टी ऑफ, या किसके लिए? OHE की सुरक्षा के लिए होता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। जब कोई नया सिग्नल लगाया जाता है तो लोको पायलट को कितने दिनों तक सतर्कता आदेश जारी किया जाता है? व्हेनेवर न्यू सिग्नल इज प्लेस्ड हाउ मेनी डेज कॉशन ऑर्डर इज इशूड टू लोको पायलट। तो अभी पहले जो था 10 दिन था, अभी सेंट्रल रेलवे में 30 दिन हो गया है। आंसर ऑप्शन बी है, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ स्थिति में मिलने पर लोको पायलट को क्या निर्देश देता है? कॉलिंग ऑन सिग्नल इज ऑफ कंडीशन, व्हाट इंस्ट्रक्शन टू लोको पायलट। जब जो कॉलिंग उनको ऑफ किया जाता है तो उसे क्या मिलता है कि रुको, सतर्कता पूर्वक आगे बढ़ो और किसी भी अवरोध के पहले रुकने के लिए तैयार रहो। तो जब सिग्नल ऑफ होके मिला है, पहले तो वह रुकेगा तब सिग्नल आएगा, और सिग्नल आने के बाद जो इंस्ट्रक्शन देगा वह आंसर ऑप्शन सी होगा, सतर्कता पूर्वक आगे बढ़ो, किसी भी अवरोध के पहले रुकने के लिए तैयार रहो। या रुको, रुकने के बाद ही सिग्नल ऑफ होगा। यहाँ पूछा भी गया है कि ऑफ स्थिति में, ऑफ होने के बाद जब ऑफ होगा तब, तो उसको जो इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि सतर्कता पूर्वक आगे बढ़ो, किसी भी अवरोध के पहले रुकने के लिए तैयार रहो। आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। बुलावा सिग्नल ऑन स्थिति में कौन सी रोशनी देता है? तो बुलावा सिग्नल ऑन स्थिति में कॉलिंग ऑन सिग्नल शोज विच लाइट इन द ऑन कंडीशन। यह कोई भी रोशनी नहीं देता है। आंसर ऑप्शन डी है, और जब ऑफ होता है तो पीले रोशनी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। OHE क्या है? व्हाट इज OHE? OHE का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ओवरहेड इक्विपमेंट होता है। आंसर ऑप्शन सी है, ओवरहेड इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी के प्रवेश करने पर ब्लॉक उपकरण पर कौन सी घंटी संकेत दिया जाता है? यानी गाड़ी जो है ब्लॉक सेक्शन में इंटर कर गया। विच वेल कोड विल बी गिवेन ऑन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट व्हेन द ट्रेन इंटर इनटू द ब्लॉक सेक्शन। तो समय पर 3 बीट दिया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। रोक सिग्नल खराब होने पर ऑन स्थिति में पार करने के लिए कौन सा अधिकार पत्र दिया जाता है? विच अथॉरिटी गिवन टू पास डिफेक्टिव स्टॉप सिग्नल एट ऑन पोजिशन। तो उसमें पर T693B जो है वह दिया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। दोहरी लाइन पर अगले ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग कार्य हेतु लाइन को क्या किया जाता है? फॉर परफॉर्मिंग शंटिंग इन द ब्लॉक सेक्शन इन एडवांस लाइन व्हाट टू बी डन। तो उसमें पर अगले ब्लॉक सेक्शन में कर रहा है तो उस समय पर ब्लॉक फॉरवर्ड किया जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है, ब्लॉक फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। अंतिम रोक सिग्नल किसका बचाव करता है? द लास्ट स्टॉप सिग्नल प्रोटेक्ट्स दैट वन। किसका? अगले ब्लॉक सेक्शन का बचाव करता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27।
कॉमन स्टार्टर लाइन से गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कौन सा अधिकार पत्र दिया जाता है? बीच अथॉरिटी इशूड टू स्टार्ट द ट्रेन फ्रॉम कॉमन स्टार्टर लाइन। कॉमन स्टार्टर वाली लाइन से गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए क्या दिया जाता है? T512 दिया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, यहाँ T511 या क्या है, तो बिना सिग्नल वाले लाइन से गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए होता है। T509 अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने के लिए होता है। और T693 भी, तो अभी आप ऊपर देखे कि सिग्नल को ऑन में पास करने का या डिफेक्टिव सिग्नल को ऑन में पास करने का अधिकार होता है। आंसर यहाँ जो है कॉमन स्टार्टर वाले के लिए TC512 होगा। नेक्स्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, T512। TC512 नहीं, T512। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अगले ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी के प्रवेश को नियंत्रित करने वाले रोक सिग्नल क्या कहलाते हैं? व्हाट इज द स्टॉप सिग्नल दैट कंट्रोल द एंट्री ऑफ ट्रेन्स इन टू द नेक्स्ट ब्लॉक सेक्शन? यह अंतिम रोक सिग्नल है, लास्ट स्टॉप सिग्नल, जिससे कि गाड़ी को प्रवेश को अगले ब्लॉक सेक्शन में नियंत्रित किया जाता है। आंसर है ऑप्शन बी, LSS, लास्ट स्टॉप सिग्नल, अंतिम रोक सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। सी क्लास स्टेशन का होम सिग्नल खराब होने पर T693B अधिकार पत्र पर क्या क्या लिखा जाएगा? व्हाट विल बी रिटन ऑन T693B व्हेन द होम सिग्नल ऑफ सी क्लास स्टेशन इज डिफेक्टिव? नंबर ऑफ सिग्नल, सिग्नल का नंबर, अगले स्टेशन से प्राप्त प्राइवेट नंबर, यह भी लिखा जाएगा, जारी करने वाले स्टेशन का नाम, ऑल ऑफ दी अबव, ये सभी लिखा जाएगा। आंसर ऑप्शन डी है। यहाँ प्राइवेट नंबर क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि होम सिग्नल वही जो है, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल और लास्ट स्टॉप सिग्नल है, एक ही सिग्नल होता है, जो कि वहाँ फर्स्ट स्टॉप सिग्नल भी है, लास्ट स्टॉप सिग्नल भी है, तो लाइन क्लियर मिलने के बाद जो प्राइवेट नंबर मिलता है वो भी लिखना अनिवार्य है। यहाँ आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। लूप लाइन पर गाड़ी लेते समय सामान्यतः दूरवर्ती कांटे किस ओर सेट होने चाहिए? टू एडमिट द ट्रेन ऑन लूप लाइन जनरली द फार एंड पॉइंट्स आर सेट फॉर, यह जो है मेन लाइन की ओर लगा होना चाहिए। आंसर ऑप्शन डी है, मेन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। ब्लॉक फॉरवर्ड में किस स्टेशन का प्राइवेट नंबर शंटिंग आदेश पर लिखा जाता है? तो इन द ब्लॉक फॉरवर्ड विच स्टेशन PN प्राइवेट नंबर इज रिटेन ऑन द सेंटिंग ऑर्डर? तो उसी स्टेशन का प्राइवेट नंबर लिखा जाता है। आंसर ऑप्शन सी है, उसी स्टेशन का, सेम स्टेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। यदि स्विच खुला हो तो ट्रैप इंडिकेटर रात में कौन सी रोशनी दिखाएगा? इफ द स्विच इज ओपन देन द ट्रैप इंडिकेटर विल शो एट नाइट। तो ट्रैप यानी खुला है, तो खुला है तो क्या है? खुला है तो खतरा है, खुला है तो खतरा है, खतरा यानी डेंजर। खुला है तो खतरा है, यानी बता रहा है कि स्विच खुला है तो खतरा है, खतरा है तो कैसा होगा? लाल। आंसर ऑप्शन ए है। दिन हो या रात हो, दिन रहेगा तो लाल डिस्क रहेगा, और रात रहेगा तो रात में लाल रोशनी रहेगा, लाल बत्ती रहेगा, और फिर कुछ नहीं, हरी बत्ती। जब बंद है तो कुछ नहीं दिन में, और रात में हरी बत्ती। यहाँ ध्यान रखना है, खुला है तो खतरा है, कुछ नहीं हरी बत्ती, और पॉइंट इंडिकेटर में सीधा है तो सादा है, कुछ नहीं हरी बत्ती। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था के सी क्लास स्टेशन पर कौन कौन से सिग्नल होते हैं? इन मल्टी स्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम विच सिग्नल आर प्रोवाइडेड एट सी क्लास स्टेशन? सी क्लास स्टेशन में सिर्फ एक डिस्टेंट और एक होम सिग्नल, दो ही सिग्नल होता है, डिस्टेंट एंड होम। आंसर ऑप्शन सी, सॉरी आंसर ऑप्शन डी है, डिस्टेंट एंड होम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। डबल डिस्टेंट होने पर डिस्टेंट सिग्नल सामान्य स्थिति में कौन सी रोशनी दिखाता है? तो इसमें डिस्टेंट सिग्नल सोज विच लाइट इन नॉर्मल कंडीशन इन डबल डिस्टेंट सिग्नलिंग इज प्रोवाइडेड। तो इसमें जो है डिस्टेंट सिग्नल क्या दिखाएगा? दो पीला रोशनी दिखाएगा, डबल येलो रहेगा और इनर डिस्टेंट येलो रहेगा, और होम सिग्नल रेड रहेगा। तो यहाँ नॉर्मल कंडीशन वाले, नॉर्मल है, सिग्नल ऑफ नहीं किया गया, ये होम सिग्नल है, तो रेड है, तो ये येलो रहेगा, ये जो है डबल येलो होगा। तो नॉर्मल कंडीशन में डिस्टेंट सिग्नल दो पीला रोशनी दिखाता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। स्टेशनों पर सतर्कता आदेश प्रत्येक किस को 9 बजे अग्रेषित किया जाता है? कॉशन ऑर्डर इज कैरिड फॉरवर्ड एट अ स्टेशन ऑन विच डे एट 9 आवर। तो प्रत्येक सोमवार को 9 बजे इसे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। प्रस्थान स्टेशन पर सवारी गाड़ी में ब्रेक पावर कितने प्रतिशत होनी चाहिए? एट द स्टार्टिंग स्टेशन व्हाट शुड बी परसेंटेज ऑफ ब्रेक पावर इन पैसेंजर ट्रेन? तो उसमें 100% होना चाहिए। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। इंटरलॉक्ड इंजीनियरिंग फाटकों पर कार्यरत गेटमैन का सक्षमता प्रमाण पत्र डैश द्वारा जारी किया जाता है। इंटरलॉक्ड इंजीनियरिंग फाटक है और उस पर जो कार्यरत गेटमैन है उसका ब्लॉक जो सर्टिफिकेट है, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है, उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? इसमें जो है SSC का सिग्नेचर होता है, SSC
पीवे और साथ में एसएससी सिग्नल, दोनों का सिग्नेचर होता है। तो यहाँ अगर ऑप्शन देखे हैं, कंपटीशन सर्टिफिकेट ऑफ द गेट मैन ऑफ इंटरलेक्ट इंजीनियरिंग गेट इज साइंड बाई, यहाँ जो होगा आंसर ऑप्शन बी होगा, वरिष्ठ खंड इंजीनियर पीवे एसएससी पीवे, आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसमें और सिग्नल वाला का नहीं दिया गया, लेकिन ये दोनों का सिग्नेचर होता है इंटरलॉक में, आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कांटा संकेतक डैश की जानकारी के लिए होता है। पॉइंट इंडिकेटर इज प्रोवाइडेड टू इंडिकेट, यह कांटों की स्थिति के लिए पॉइंट का जो पोजीशन है उसको बताने के लिए कांटे संकेतक लगाए जाते हैं, आंसर ऑप्शन ए है, कांटों की स्थिति पॉइंट पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, डिस्टेंस सिग्नल किस प्रकार का सिग्नल है? विच टाइप ऑफ सिग्नल आर डिस्टेंस सिग्नल, यह जो है परमिसिव सिग्नल है, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, स्टेशन सेक्शन और ब्लॉक सेक्शन की सीमा निर्धारण डैश द्वारा होता है। स्टेशन सेक्शन एंड ब्लॉक सेक्शन आर डिटरमाइंड बाई, तो किसके द्वारा होता है? यह बीएसएलवी के द्वारा होता है, आंसर ऑप्शन बी है, स्टेशन सेक्शन और ब्लॉक सेक्शन की, आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इंजीनियरिंग नॉन इंटरलॉक गेट होने पर गेटमैन से गेट बंद होने के उपलक्ष्य में स्टेशन मास्टर द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाएगा? अन्यथा गाड़ी को क्या सौंप कर ब्लॉक सेक्शन में भेजा जाएगा? व्हाट विल टेक द स्टेशन मास्टर फ्रॉम गेटमैन इन एश्योरेंस ऑफ गेट क्लोज्ड अदरवाइज व्हाट विल बी इशूड, तो उस समय पर जो स्टेशन मास्टर है वो क्या करते हैं, प्राइवेट नंबर गेट बंद होने के उपलक्ष्य में लेते हैं, और अगर नहीं होता है अटेंड तो उस समय पर फिर सतर्कता आदेश जारी करके और गाड़ी को भेजा जाता है। तो यहाँ होगा प्राइवेट नंबर एंड कॉशन ऑर्डर, आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, केवल विद्युत गाड़ियों के यातायात को अवरुद्ध करना कौन सा ब्लॉक कहलाता है? विच टाइप ऑफ ब्लॉक इज कंसिडर्ड वेन ब्लॉकिंग ऑफ ए सेक्शन ऑफ लाइन टू इलेक्ट्रिक ट्रैफिक ओनली, तो उसमें पर से पावर ब्लॉक कहते हैं, आंसर ऑप्शन ए है, पावर ब्लॉक जो ओए ची के जो है वह बंद कर दिया जाता है और इलेक्ट्रिक की जो गाड़ियां वह बंद रहता है, डीजल ट्रैफिक चल सकता है, यहाँ जो है आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, 8 पहिए वाले ब्रेक यान का कोड क्या है? व्हाट इज द कोड ऑफ 8 व्हीलर ब्रेक वैन, तो 8 व्हीलर ब्रेक वैन का जो कोड है वह BVZI है, आंसर ऑप्शन डी है, 4 व्हीलर का BVZC होता है, और 8 व्हीलर में ही एक अभी टॉयलेट फैसिलिटी वाला है उसे BVCM कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, पैनल संचालन का रिकॉर्ड किस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा होता है? बाई विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आर यूज फॉर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के लिए ऑफ पैनल ऑपरेशन, पैनल ऑपरेशन होता है उसको रिकॉर्ड करता है, क्या डाटा लॉगर करता है, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, डबल डिस्टेंस सिग्नल व्यवस्था में बाह्यतम सिग्नल को क्या कहते हैं? इन डबल डिस्टेंस सिग्नलिंग आउटर मोस्ट सिग्नल इज कॉल्ड ए, तो उसे डिस्टेंस सिग्नल कहा जाता है, आंसर ऑप्शन सी है, और उसके बाद वाला जो डिस्टेंस रहता है उसे इनर डिस्टेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, सवारी गाड़ी में इंजन को लोड पर लेते समय कितने मीटर पहले इंजन को रोका जाएगा? व्हाइल अटैचिंग एन इंजन टू ए पैसेंजर ट्रेन इट शैल बी स्टॉप्ड एट विच मीटर बिफोर द ट्रेन, तो इसे 20 मीटर पहले रोका जाता है, फिर धीरे धीरे गाड़ी को लोड पर जो है इंजन को लिया जाता है, आंसर ऑप्शन बी होगा, 20 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, कौन से क्लास के स्टेशन पर स्टेशन सीमा नहीं होती है? देयर इज नो स्टेशन लिमिट इन विच टाइप ऑफ स्टेशन, इसमें जो है ए बी सी डी चारों दिया है, तो यहाँ जो आंसर होगा वह डी क्लास स्टेशन होगा, आंसर ऑप्शन ए है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि स्टेशन लिमिट का क्या है, बाह्यतम सिग्नलों के बीच का भाग, जो मान लिया जाए कि अगर यहाँ डिस्टेंट है और यहाँ डिस्टेंट है तो डिस्टेंट डिस्टेंट के बीच का भाग, डी क्लास स्टेशन में है क्या कोई सिग्नल? नहीं है, इसलिए यहाँ स्टेशन लिमिट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, IBS किस क्लास का स्टेशन होता है? IBS इज द स्टेशन ऑफ विच क्लास, यह जो है सी क्लास का स्टेशन होता है, आंसर ऑप्शन सी है, ऊपर भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, BCNHL का स्टैंडर्ड लोड कितना होता है? स्टैंडर्ड लोड ऑफ BCNHL इज, यह 58+1 होता है, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन सा स्टेशन नागपुर डिवीजन में है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन इन नागपुर डिवीजन, इसमें जो है छिंदवाड़ा नागपुर डिवीजन में है, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज PSR, PSR क्या है? यह परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन होता है, आंसर ऑप्शन सी है, परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन, उसमें पूछा गया था पिछले एग्जाम में, टेम्पररी स्पीड रिस्ट्रिक्शन TSR, देखिए मिलता जुलता बहुत है। अब है मैथ से प्रश्न आ रहा है, रमेश रन्स 12 किलोमीटर डेली, हाउ मेनी किलोमीटर्स ही कंप्लीट्स इन ए फोर्ट नाइट,
रमेश प्रतिदिन 12 किलोमीटर दौड़ता है, वह एक पखवाड़े में कितने किलोमीटर दौड़ता है? यानी एक पखवाड़े में डेली 12 किलोमीटर, अरे 15 दिन कुछ, अरे पखवाड़े मतलब 15 दिन, 15 गुना 12 कितना हो जाएगा? 180। आंसर ऑप्शन बी है 180। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अंकगणितीय श्रेणी में अगला नंबर ज्ञात करें। यहाँ देख रहे हैं 7 है, 8 है, 9 है, डिफरेंस है अगला 10, डिफरेंस हो जाएगा 10, इसमें ऐड करेंगे तो 64। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 7 × 9 × 5, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 315। आंसर ऑप्शन बी है 7 × 9 × 5, तो इसको 7 × 5 पहले कर देंगे, इंटू नाइन, यहाँ 35 × 9 कितना हो जाएगा? अगर 10 रहता तो कितना हो जाता? 350। एक माइनस कर देंगे 35, कितना हो जाएगा? 315। इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। फाइंड द 25% ऑफ 100, 400 का 25% ज्ञात करें, 100 होगा, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है 56। नयन गेट 12% डिस्काउंट ऑन टॉय ऑफ ₹500, व्हाट इज द प्राइस आफ्टर डिस्काउंट? नयन को ₹500 के खिलौने पर 12% की छूट मिलती है, छूट के बाद कीमत क्या है? तो 500 का 12% कितना हो गया? 60 रुपया। 500 में से 60 रुपये माइनस हो गया कितना? ₹440। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 57। फाइंड स्क्वायर ऑफ 7, 7 का वर्ग ज्ञात करें, 7 का वर्ग कितना होगा? 49। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। फाइंड क्यूब ऑफ 8, 8 का घन ज्ञात करें, कितना हो जाएगा? 512। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 59। व्हाट इज बिगेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9/4, 7/4, 10/4, 6/4, सभी 4 से डिवाइड है, तो जो बड़ा संख्या है वही हो जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। फाइंड द एवरेज ऑफ 40, 50, 45, 50, 55, 65, ये जब हम इसको टोटल करेंगे, कितना नंबर है? 60 नंबर, तो इसको जब हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 255। 255 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा? 51। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 43, 4.3 × 3.5, इसको जब हम गुना करेंगे, 4.3 एंड 3.5 गुना करेंगे तो हो जाएगा 15.05। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। फाइंड द 23 × 7 − 59, 23 × 7 कितना हो जाएगा? 161 में से 59 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 102। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। फाइंड द एवरेज ऑफ 55, 75, 95, 105 एंड 115, इसका औसत ज्ञात करें, जब हम इसे टोटल करेंगे तो आ जाएगा 445। 445 डिवाइड बाई 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 89। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। फाइंड द डिवीजन ऑफ 584 डिवाइड बाई 8, 584/8, जब इसे हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? आंसर यहाँ कट करेंगे कितना? 8 टाइम लगेगा, 7 टाइम लगेगा, और 7 गुना फिर 24 बज जाएगा 3। ये आंसर ऑप्शन सी होगा, 73। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 216, 216 का घनमूल ज्ञात करें, कितना हो जाएगा? 6 होगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। फाइंड द प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या ज्ञात करें, वैसा संख्या जिसमें किसी से वह डिवाइड नहीं होता है, यहाँ कौन सा है? तो आंसर ऑप्शन सी है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह है, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। ऑन व्हाट डेट इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड, पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। ऑन व्हाट डेट यूथ डे इज सेलिब्रेटेड, युवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 12 जनवरी को मनाया जाता है, आंसर ऑप्शन सी है, 12 जनवरी। यह स्वामी विवेकानंद के जयंती पर मनाया जाता है युवा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। बीच फेस्टिवल इज फेस्टिवल ऑफ कलर, कौन सा रंग त्योहार, तो कौन सा त्योहार रंग का त्योहार है? तो यह होली को कहा जाता है, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। व्हाट इज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? यहाँ नेशनल एनिमल पूछा गया, यहाँ राष्ट्रीय पशु है, यहाँ राष्ट्रीय पशु जो है पिकअप होगा, और अगर एनिमल होगा तो बाघ होगा, जो भी है। देखिए आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, पशु रहा तो, एनिमल रहा तो, जानवर रहा तो फिर यहाँ टाइगर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। विच इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड,
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया जो है, आंसर ऑप्शन बी है एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, इन विच कंट्री ओलंपिक्स गेम्स 2024 वेयर हेल्ड एट? किस देश में ओलंपिक खेल 2024 आयोजित किया गया था? तो फ्रांस का पेरिस में किया गया था, फ्रांस पेरिस, आंसर ऑप्शन बी है पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नंगल, आंसर ऑप्शन बी है भाखड़ा नंगल डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, आइडेंटिफाई द स्टेशन जी एन क्यू, जी एन क्यू स्टेशन का कोड बताना है। तो यह जो है जी एन क्यू का होता है गोधनी, आंसर ऑप्शन सी है गोधनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम? यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है? तो यह पाउंड स्टर्लिंग, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, हाउ मेनी डिवीजन इन सेंट्रल रेलवे? मध्य रेलवे में कितने डिवीजन है, कितने मंडल हैं? तो पांच है, मुंबई है, पुणे है, सोलापुर है, भुसावल है और नागपुर, पांच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, आइडेंटिफाई द स्टेशन WRR, WRR स्टेशन को पहचाने, यह कौन सा है? तो यह बरोड़ा है, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, आइडेंटिफाई द स्टेशन BPK, BPK स्टेशन को पहचाने, BPK स्टेशन का कोड पूछा गया है, तो यह भूगांव है, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, आइडेंटिफाई द स्टेशन CND, CND स्टेशन को पहचाने, इसका कोड पूछा गया है, यह चांदूर का कोड है, आंसर ऑप्शन सी है चांदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, आइडेंटिफाई द स्टेशन MRDK, स्टेशन MRDK को पहचाने, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, किन को अगर मालूम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज BPC, BPC क्या है? तो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, आंसर ऑप्शन सी है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर द डांस फ्रॉम लावनी? कौन सा भारतीय राज्य नृत्य रूप लावनी के लिए जाना जाता है? तो लावनी महाराष्ट्र में होता है, आंसर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, गेटवे ऑफ इंडिया सिचुएटेड एट, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है, आंसर ऑप्शन सी है। इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया ध्यान रखना है, इंडिया गेट पूछा तो दिल्ली होगा और गेटवे ऑफ इंडिया पूछा गया तो मुंबई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, एंटोनिम्स ऑफ डिटैच, डिटैच का एंटोनिम्स अटैच, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, एंटोनिम्स ऑफ अप का एंटोनिम्स डाउन, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 89, एंटोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का एंटोनिम्स अगली, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, एंटोनिम्स ऑफ केयरफुल, केयरफुल का उल्टा पूछा गया एंटोनिम्स, तो यह केयरलेस हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, सिनोनिम्स ऑफ बोल्ड, बोल्ड का करेजियस साहसी, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, सिनोनिम्स ऑफ लिंक, लिंक का ज्वाइन, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, सिनोनिम्स ऑफ सॉफ्ट, सॉफ्ट का जॉयफुल हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 94, सिनोनिम्स ऑफ फाइनल, फाइनल का लास्ट, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, सिनोनिम्स ऑफ ब्लैंक, ब्लैंक का सिनोनिम्स एम्प्टी, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, विच इज ए पास्ट टेंस ऑफ वर्क, वर्क का वर्कड हो जाएगा, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 97, विच इज प्लूरल ऑफ एग, एग का प्लूरल एग्स, आंसर ऑप्शन बी है, सिर्फ एस लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, विच इज प्लूरल ऑफ आई, आई का प्लूरल आईज, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, विच इज प्लूरल ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री का आर बाई है, बाई को आई में बदल जाएगा और ई एस लग जाएगा, फैक्ट्रीज हो जाएगा, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 100, विच इज ए प्लूरल ऑफ फूट, फूट का प्लूरल फीट, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, ट्रांसलेट इन हिंदी एबल, एबल को अनुवाद करें, एबल को अनुवाद करें, एबल का क्या होता है, एबल मतलब योग्य, आंसर ऑप्शन बी है योग्य। नेक्स्ट ट्रांसलेट इन हिंदी फास्ट, फास्ट का मतलब तेज जल्दी, आंसर ऑप्शन सी है जल्दी। नेक्स्ट 103, 103, ट्रांसलेट इन हिंदी एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का अनुवाद करें तो यह दुर्घटना, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, ट्रांसलेट इन इंग्लिश खेलना, इसको इंग्लिश में बदलना है तो प्लेइंग, आंसर ऑप्शन बी है।
नेक्स्ट ट्रांसलेट इन इंग्लिश, समझौता, समझौता को एग्रीमेंट, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, ट्रांसलेट इन इंग्लिश, मुश्किल, मुश्किल यहाँ क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो यह 26 जनवरी 1950 को हुआ, आंसर ऑप्शन सी है, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, किस अनुच्छेद के तहत यह व्यवस्था की गई है कि हिंदी के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, यह अनुच्छेद 351 में है, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला, हिंदी को राजभाषा का दर्जा 1949 में मिला, 14 सितंबर 1949, और उसी दिन से हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर 1949, 1949 में मिला, आंसर ऑप्शन सी है। लास्ट है 110, हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है, या देवनागरी में लिखा जाता है, आंसर ऑप्शन सी है। तो आज हमने सभी 110 क्वेश्चन लिए, जिसमें एक क्वेश्चन छूट गया, हो सकता है बाई मिस्टेक एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए, तो उसे आप सुधार करके पढ़ें। तो हम आपकी परीक्षा में सफलता की कामना करते हैं, और सफलता की कामना करते हैं फिर हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।